أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك قابل احترام فضيلة الشيخ شاه ولي الله حفظه الله गर मक्र अहल इल्म, ज़िम्मेदारान मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और काबिल अहतराम और बहनों अल्लाह रबालमीन के फ़द्ल करम से आज इस एक अज़ीमशान दीनी मजलिस में हम जमा हैं और एक ऐसे के लिए जमा हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक अहम तरीन ान हैं एक ऐसा महीना जो बरक़तों वाला महीना है जिसमें ईमान की और तकवा की तरक्की है जिसमें नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जिसमें न सिर्फ़ नेकियों के बल्कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं एक ऐसा महीना कि अगर एक इंसान सही तौर से उस महीने को गुजारे तो यही महीना उसकी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बन सकता है लेकिन इसके बरक्स अगर इस महीने को ग़लत तौर से गुज़ार कर इंसान ज़ाय कर दे तो यही चीज़ उसके लिए आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ़ से अजाब का और दुनिया में वबाल का मुसीबत का अजाब का और बेदीनी का ज़रिया बन सकती है हम सभी जानते हैं कि मुबारक का महीना बहुत करीब है इस महीने की तैयारी महीने में दाखिल होकर नादानी है और तैयारी के एतबार से भी अक्सर लोगों के ज़हनों में खाना पीना और लिबास यही चीज़ें होती हैं ख़ातन अपने घर को साफ़ सुथरा करने की कोशिश करती हैं खाने पकाने के प्रोग्राम बनते हैं शहरी में क्या होगा इफ्तार में क्या होगा इसी तरह से किसकी क्या डिमांड है किसकी क्या ज़रूरत है बड़े से लेके बच्चों तक लिबास नए लिबास जूते चप्पल जेवरात और कसम कसम की चीज़ें बाज़ार में जो बढ़ जाती हैं लोगों की तलब भी बढ़ जाती है सभी ख़ुशी ख़ुशी अपनी ज़रूरियात को हासिल करते हैं कोई मना भी नहीं है लेकिन सारी फ़िक्रें इन्हीं चीज़ों के अतराफ़ घूमती रहती हैं हर दिन रोज़ा आता है सुबह से शाम तक इंसान भूखा रहता है लेकिन फिक्रें यही होती हैं पहला अशरा होता है उसमें घर के हर फर्द की फरमाइशें होती हैं ख़वातीन आम दिनों के मुकाबले में किचन में ज़्यादा वक्त गुजारती हैं सहरी की तैयारी इफ्तार की तैयारी में सारा वक्त उनका निकल जाता है मर्द इसी फिक्र में रहते हैं कि आज कुछ अच्छा बने नया बने अलग बने पसंद पसंद के खाने सभी खाते हैं और यह भी मना नहीं है लेकिन इसमें क्या ज़ाय होता है इसमें नेकियां ज़ाय होती हैं हमारी सारी फिक्र अगर पेट की हो और दिल की ना हो इससे ज़्यादा बदकस्मती इंसान की क्या हो सकती है कि वो अपने पेट की ज़ुबान की लजतों के बारे में पेट को भरने और लजतें हासिल करने में अगर इतने अहम तरीन महीने को ज़ाय कर दे जिसमें उसको ईमान की लजत चाहिए थी वो खाने की लजत के पीछे गिर गया जिसमें इंसान के लिए ईमान की तरक्की थी तकवा की तरक्की थी उसी महीने को उसने क्या बना दिया तजारत की तरक्की का महीना बना दिया अगर ऐसा इंसान करता है तो ये बड़ा ही बदकस्मत इंसान है इस महीने की बरकत बिलाशुबा मादी एतबार से भी हैं तजारतों का फ़रोग इंसान के खाने पीने के एतबार से दस्तरखान का वसी होना न सिर्फ़ अपना घर बल्कि पड़ोस के भी लोगों की फ़िक्र करना और आपस में एक दूसरे को इफ़ार के लिए कुछ भेजना ये अपनी जगह एक अच्छी चीज़ है खाने पीने के एतबार से रिस्क का मामला इसमें वसात पैदा होना ये बुरी बात नहीं अच्छी बात है लेकिन इंसान का रिज्क तो दस्तरखान तो वसी हो जाए लेकिन इंसान के लिए ईमान का दस्तरखान वसी ना हो ये बड़ी अफसोस की और नाकामी की चीज़ है लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं रमजान का महीना आता है उससे पहले तैयार नहीं होते हैं उनके जहन में कोई खाका नहीं होता है मुझे करना क्या है और ये महीना आता है और फ़ौरन निकल भी जाता है पहला अशरा जोश में होता है मस्जिदें भरी हुई होती हैं सफ़े कई सफ़े बनती हैं हती कि मस्जिद के बाहर की जगह भी मंडप डाल के उसमें सफ़े बनती हैं लोग आते हैं शरीक होते हैं फिर दूसरे अशरे में थोड़ा सा उसमें कमी आ जाती है और तीसरा अशरा तीसरे अशरे में सब गायब हो जाते हैं सत्ताईसवी शब के बाद तो कोई मिलता भी नहीं है इल्ला माशा लोग मस्जिद में होते हैं सारे के सारे लोग अपनी तिजारत और अपनी ख़रीदो फरोख में लग जाते हैं शुरू का हफ़्ता बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नई चीज़ हमेशा अच्छी होती है एक उसका इस्तेजाब होता है कि नया चलो रमजान का महीना एक साल बाद आया है लेकिन फिर जब जैसे जैसे दिन गुज़रते जाते हैं शुरू में आदमी कहता है एक रोज़ा हुआ दो रोज़े हो गए तीन हो गए फिर कुछ दिनों के बाद आदमी गिनने शुरू करता है दस रोज़े बचे अब ईद की तैयारी शुरू हो जाती है नौ रह गए आठ रह गए तो अब उल्टी गिनती शुरू करता है कितना रह गया और वक्त धीरे धीरे निकल जाता है और फिर रमज़ान के बाद बैठ के लोग आपस में बात करते हैं एक दूसरे से क्या कहते हैं कितने जल्दी निकल गया ना रमज़ान का महीना आइंदा इंशाल्लाह इस महीने में मैं कुछ कर नहीं पाया ऐसे ही निकल गया आइंदा अच्छे से रोज़े रखेंगे अच्छे से गुजारेंगे ये एक साल की बात नहीं है हर साल का ये रूटीन हम लोगों का बन जाता है वजह उसकी क्या है कि रमजान से पहले हमारे जहन में रमजान के ताल्लुक़ से कोई ख़ास खाका नहीं होता है कोई आजम नहीं होता है कोई तरतीब नहीं होती है अगर हम अपने घरों में मर्द औरतें बच्चे बड़े छोटे अगर कुछ तरतीब बनाएं कि मुझे रमजान कैसे गुजारना है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पास एक लिस्ट हो तो ऐसा इंसान वाकई मौका पाने के बाद में उसको सही इस्तेमाल कर सकता है लेकिन जिसके जहन में कोई ख़ाका ना हो मौका आके निकल जाता है और वो कुछ करने से रह जाता है सबसे शादतमंद अक़ल कामयाब इंसान वो है जो मौका आने से पहले उसके लिए तैयार रहें और मौका आते ही उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाए नाकाम इंसान कौन है मौका आने से पहले तैयार ना हो गफलत में हो मौका आए लापरवाही से मौके को ज़ाय कर दे और मौका जाने के बाद में बातें करता रह जाए कि आइंदा मैं ऐसा करूँगा चाहता था लेकिन क्या करूँ और माजरत करता रह जाए एक्सक्यूज़ देता रह जाए बहाने बनाता रह जाए अफसोस करता रह जाए अफसोस करने से गलती माफ़ तो हो सकती है लेकिन मौका वापस आ सकता नहीं आ सकता एक आदमी जवानी ज़ाय कर दे बुढ़ापे में पहुँच जाए माफ़ी मांग ले, अफसोस करें ठीक है जवानी की तकसीर कोता ही अल्लाह ताला माफ़ तो कर सकता है लेकिन क्या जवानी वापस आ सकती है नहीं तो अफसोस करने से गया हुआ वा वक्त वापस नहीं आता कितने लोग पिछले रमज़ान में थे इस रमदान के लिए नहीं है कितने लोग थे दो सालों में आप देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग दुनिया से चले गए किसी ने सोचा था कितने लोगों ने सोचा होगा कि हमारा वक्त आ चुका है और अगला रमदान हमको मिलने वाला नहीं ये रमदान आखिरी है कितनों ने सोचा होगा बहुत कम लोगों ने कोई आदमी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता कि शायद मैं नहीं रहूँगा हर आदमी सोचता है कि नहीं ऐसा थोड़ी होगा लेकिन अचानक मौत आती है और इंसान दुनिया से चला जाता है लिहाज़ा रमजान का महीना हमारे लिए एक तरबियत है ज़िंदगी का फ़ायदा उठाने की यह हमारे लिए एक इम्तहान है कि तू अगर ज़िंदगी के तीस दिन पूरे सही ढंग से नहीं गुजार सकता है तो फिर बाकी ज़िंदगी तू कैसे सही गुजारेगा अपना इम्तहान हमको ख़ुद लेना है कि क्या तो अपनी ज़िंदगी के हर दिन को सही ढंग से गुजार सकता है या नहीं हमारे लिए ख़ुद अपना इम्तहान है हम खुद देखें किसी और को देखने की ज़रूरत क्या है हम खुद अपने आप को देखें कि कामयाबी ये है कि हर दिन सही गुजारें तिजारत में हर आदमी जो होटल पे बैठा है दुकान पे जूते चप्पल की दुकान पे बैठा हुआ है हर दिन अपना हिसाब करता कितना आया कितना गया इस एतबार से देखता है कि आज का दिन नफ़े वाला था या नुकसान वाला मुनाफा था या घाटा था हर ताजिर हर दुकानदार ये देखता है हम पैसों के एतबार से देखते हैं नेकियों के अतबार से हम कितना देखते हैं हर दिन हमारा प्रॉफिट में होना चाहिए कोई दिन लॉस वाला नहीं होना चाहिए यह अच्छा ताजिर है इस एतबार से अगर रमदान का एक महीना हम तैयारी कर लें और अपने आप को आदत इस बात की डालें कि हमारी नेकियां ज़्यादा गुनाहों के मुकाबले में बल्कि हमारे गुनाह ना हों हतमकान हम गुनाहों से बचने वाले हों तो अगर ये आदत हमको एक महीने में पड़ गई नेक आमाल की आदत हो गई क्योंकि माहौल रमजान में होता है और अच्छे माहौल में नेकी की आदत डालना आसान है बाद के दिनों में वो माहौल काफूर हो जाता है ख़त्म हो जाता है लेकिन उस 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 माहौल के अंदर बाद के माहौल में फिर आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो नेकियों का आदि बन पाए बहुत कोशिश ज़्यादा करनी पड़ती है लिहाजा ये जो महीना हमारे सामने आ रहा है इसको खाने पीने और किचन और कपड़ों का महीना ना बनाए अच्छा खाएं, अच्छे पहने, सब कुछ ठीक ठाक करें लेकिन मकसूद उसको ना बनाएँ मकसूद इसको बनाएँ कि ये महीना हमारे लिए असलाह और तरबियत का महीना बन जाए हम रमजान में दाखिल हों और रमजान से बाहर निकलें तो हम एक अच्छे इंसान बन के बाहर निकलें ऐसा इंसान जो अल्लाह का सही मानों में बंदा हो इबादत का आदि हो लोगों का खैर खा हो और अल्लाह की किताब से अल्लाह के दिन से जुड़ा हुआ इंसान हो अगर ये इंसान की फ़िक्र हो और वो इस नीयत के साथ रमज़ान में दाखिल हो बहुत मुमकिन है कि उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आए वरना रमदान पर रमदान आते चले जाएंगे और इंसान जैसा कि वैसा रहेगा यहाँ तक कि कब्र में चला जाएगा जिसको रमदान न बदले बाकी क्या बदल सकता है बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें अबाब उसके लिए हिदायत के जमा हों और फिर भी ये महरूम रहे तो फिर कब इसको हिदायत मिलेगी इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर प्रहम करे तो ये महीना हमारे सामने है आज के इस दर्स में गुफगु में हम इसी महीने के ताल्लुक से देखेंगे कि इस महीने की कितनी अहमियत है और इस महीने में हमको किन आमाल का अहतमाम करना चाहिए ताकि इस महीने से हम भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस महीने में हम दीनदार बन बक़िया ज़िंदगी में हम जाएँ तो ये आज के खसूसी तौर पर यहनवान हमारा आज का आज के इस खिताब का है जो हदीस मैंने ज़िक्र की है इस हदीस को इमाम अहमद नसई और इमाम अबकीकी ने ईमान में रिवायत किया है अल्लाह के रसूल सल सल्ला फ़रमाते हैं अता रमदान शाह मुबारक तुम पर रमदान का महीना आया है ये एक मुबारक महीना है ये महीना बरकतों वाला महीना है बरकत किसको कहते हैं ख़ैर की ज़्यादती और उसकी बका को खैर जो अल्लाह की तरफ़ से आती है वो खूब हो जाए कम में ज़्यादा हो जाए और वो खैर बाकी रहे रमदान का महीना बरकतों वाला है कई एतबार से मिसाल के तौर पर रमदान के फ़ाइल में एक फ़जीलत यह है कि इस महीने को अल्लाह ताला ने क़ुरान के नज़ूल का महीना बनाया इस महीने में अल्लाह ताला ने था 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 था। आसमान दुनिया पर कुरान करीम को नाजिल किया है अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाता है शहर व रमदानल अनुनजिलफी क़ुरआन हदास वबीनात मिनल अल बकरा आयत नंबर एक सौ पचासी अल्लाह ने फरमाया कि रमदान वो महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है क़ुरान लोगों के लिए हिदायत है वबीनात मिनल वाल और इसी कुरान में हिदायत की दलीलें निशानियां हैं और इसमें ये फ़ुरकान है वबीना वल वफ़ुर्कान हिदायत की दलीलें और फुर्क़ान की दलीलें इसमें हैं यानी इंसान चाहता है उसको हिदायत मिले हिदायत क्या है क़ुरान से मालूम होगा लेकिन हिदायत के रास्ते पर चलते चलते अगर कभी कन्फ्यूजन आ जाए शुबहात पैदा हो जाएं तो उन शुबहात का इलाज भी इस कुरान में है इस कुरान को पढ़ने से इंसान को यकीन हो जाएगा कि वाकई हक़ क्या और बातिल क्या है तो रहनुमाई अल्लाह की इस किताब में है और इसी तरह से गुमराही से बचने के लिए हिदायत और गुमराही में तफरीक की दलीलें भी इस किताब में हैं इस किताब को अल्लाह ताला ने नाजिल किया किस महीने में कौन से महीने का इंतखाब अल्लाह ने किया तकवा वाले महीने का इंतखाब किया जो हिदायत के लिए ज़रूरी है रया लिखल किताब अफी ही हदलमिन ये किताब इसमें कोई शक नहीं यानि शक नहीं कि अल्लाह की तरफ से है हदलमत ये किताब हिदायत है मतकीन के लिए तकवा वालों के लिए हिदायत है और रमगान का महीना तकवा ही की तैयारी का और इसी की तरक्की का महीना है रोज़े रख कर इंसान तकवा से अपने आप को मालामाल करता है तकवा की सिफत अपने अंदर पैदा करता है इस कुरान को अल्लाह ताला ने उसी महीने में नाजिल किया जिसमें अहिल ईमान के तकवा की परवरिश है तो इस महीने की फजीलत यह है इस महीने को अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में कुरान के नज़ुल के लिए चुना कितनी बड़ी फजीलत है कुरान मुसलमानों का शार है इससे बढ़कर कर क्या नमत मुसलमानों के पास हो सकती है कि़यामत तक महफूज रहने वाली किताब अल्लाह ताली ने इस महीने में नाजिल की जिसमें ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल मौजूद है और क़्यामत तक अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है सारी किताबों को मनसूख करने वाली किताब जिसमें अवलिन व आखरीन का इल्म है जो अल्लाह ताला, ताला ने अपने नबी उम्मी पर नाजिल की ये किताब आज भी हमारे पास है जो आपका सबसे बड़ा मुजजा है ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर लोग मुसलमान होंगे तो ये महीना कुरान की नजूल का महीना है इसी तरह से रमजान का महीना कफ़ारा कफारा, का महीना है गुनाहों का कफ़ारा इस महीने में होता है कफ़ारा किसको कहते हैं मिटाने को अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को मिटाता है इस महीने में अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते खम्स पाँच नमाज़ें वजुमायतोजुमी एक जुमा दूसरे जुमा तक व रमदान इला रमज़ान और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक ये सारा वक्त जो होता है ये जो फासला होता है ये आमाल होते हैं मुकफरात एक नमाज से यानी पांच नमाजें और इसी तरह से एक जुमा से दूसरा जुमा और इसी तरह से एक रमदान से दूसरा रमदान दरमियान में होने वाले गुनाहों का कफारा बन जाता है अल्लाह ताला इनसे गुनाहों को क्या करता है मिटाता है शर्त यह है कि आदमी नमाज सही पढ़े जुमा सही से अदा करें रमदान ठीक से रमदान में आमाल करें, रमजान ठीक से गुजारें। अगर ये करेगा तो उसके लिए गुनाहों से ये रमदान कफारा बन जाता है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है इसी तरह से रमदान के महीने की फ़जीलत यह है कि अल्लाह ताला इंसान की हिदायत का दुश्मन शैतान इनको कैद कर देता है इसी महीने में ताकि बंदे अल्लाह की इबादत ठीक से कर पाएँ उन्हें परेशानी ना हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा काना अव्वल लैलत मि रमजान जब रमजान की पहली रात होती है पहली रात रमजान की सुफिदति शयतीन मरदतुल जिन शयतीन में से सरकश जिन्ना जिन्नात को कैद कर दिया जाता है उनको जंजीरें पहनाई जाती हैं व गुलीकत अबवाबुन और जहन्नम के दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है बंद कर दिए जाते हैं फलम युफ्ता मिनहा बाब उनमें से एक भी दरवाजा जहन्नम के दरवाजों में से खोला नहीं जाता है वह फतिहात अबाबुलजनान पलमयुगमिन हा बब और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक भी बाब एक भी दरवाजा उनमें से बंद नहीं रखा जाता जन्नत के दरवाजों में से व मुनादिन और अल्लाह की तरफ से एक पुकारने वाला पुकारता है या बागर अकबिल खैर का इरादा करने वाले आगे बढ़ आगे बढ़ और ऐशर का इरादा करने वाले रुक जा रुक जा ये ऐलान अल्लाह की तरफ से होता है भलाई का इरादा है आगे बढ़ ठहरा मत रहे, इंतज़ार मत कर इंतज़ार किस चीज़ का है मौका आ गया आगे बढ़ एक दूसरे से मुसारत मुसाबकत कर लोगों से नेकी में बढ़ने की कोशिश कर आगे बढ़ लेकिन गुनाह का अगर तेरा इरादा था रमजान के महीने में फ़िल्में देखने का गाने सुनने का गज़लें क़वालियाँ सुनने का आम तौर से आप देखिए मुसलमान इसको भी दीन की चीज़ समझते हैं कि रमज़ान में क़वाली घर में लगाएं। इजाज़ नहीं है मोबाइल फ़ोन पर बैठ के सारे मौसीकी से लेके और शो और न जाने कितनी इतनी खराफा यूट्यूब देखने का अगर तेरा इरादा है, रुक जाए इस महीने को ज़ाय मत कर तो या बाग़ी अलरी

हाकिम और बक़ी ने रिवायत किया है तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि रमदान के महीने में कई लोग आज़ाद किए जाते हैं जहन्नम से काश के हम लोग भी उनमें शामिल हो जाएं कि एक इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की फहरस् से ख़ारिज कर दे उसको माफ़ कर दे उसको बख्श दे उसकी दीनदारी की वजह से उसकी तलब की वजह से उसकी दुआओं की वजह से उसके नेक आमाल की वजह से उसके रोज़े के अखलास और मुजाहदे की वजह से अल्लाह चाहे किसी को भी माफ़ कर सकता है वो अल्लाह जो एक फ़ाहिशा को माफ़ कर सकता है उसकी मफ़रत कर सकता है सिर्फ़ एक कुत्ते को पानी पिलाने पर वह अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा एक बंदे को जो इखलास के साथ अल्लाह के लिए भूखा रहे अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़े अल्लाह के लिए जिक्र तिलावत करे लेकिन बंदे के आमाल वैसे होने चाहिए उसमें वो इखलास होना चाहिए उसमें वो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होना चाहिए वो अमल अल्लाह ही के लिए होना चाहिए रमज़ान के महीने में रोज़ा रोज़ा अजीम शान अमल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं अबू उमामा कहते हैं कि अतई तो रसूल वसल्लम मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ मैं आपके पास आया फ़कुल मुरनी बे अमरन आ खुद हुन काहल्ला के रसूल मुझे एक ऐसा हुक्म दें कि मैं बरा बराह रास्त आपसे वह हुक्म लूँ कोई वास्ता वसीला दरमियान में नहीं डायरेक्ट आपसे कोई हुक्म मुझको चाहिए कि आपने मुझको हुक्म दिया ऐसा हो कोई हुकुम दीजिए قال عليك بالصوم فانه لا مثل له आपने फरमाया रोजा रोजा रोजे का एहतमाम कर इसलिए कि रोजे की तरह और कोई अमल नहीं है रोजे जैसा और कोई अमल नहीं सौम जैसा कोई अमल नहीं है इसका एहतमाम कर रोजों का एहतमाम कर मालूम है कि एक ऐसा अमल जिसकी तरह पूरे दीन में कोई और अमल नहीं है जिसकी फजीलत किसी और अमल को हासिल नहीं है जिसके मुनाफ़े किसी और अमल में नहीं है सारी चीज़ें उसमें जमा हों कोई और अमल ऐसा नहीं है वो कौन सा अमल है रोज़े का अमल है इसी तरह इस हदीस को इमाम अहमद नसई और इब्ने अबान और हाकिम ने रिवायत किया है इसी तरह से रोज़ा मगफ़रत का ज़रिया है अल्लाह के नबी सल फ़रमाते हैं मनसा रमदान ईमान साफ मकदम बही जो शख्स रमदान के रोज़े रखे ईमान और एहतसाब के साथ उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे उसके तमाम गुनाहों की मफरत हो जाएगी इस हदीस को इमाम अलबुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है ने कहा कि ईमान और एहतसाब के साथ रोज़े रखने का मतलब क्या है ईमान के साथ रोज़े रखने का मतलब ये है कि इसकी फर्जियत पर यकीन रखे इसमें इसको अल्लाह का दीन मान के रखे इसमें अल्लाह के वादों पर यकीन रखें। अल्लाह का जो वादा रोज़ों पर है कई वादे हैं अल्लाह रोज़े की बुनियाद पर यह अता करेगा यह अता करेगा तो ईमान रखे कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने जो बातें इसकी फ़दीलत में बयान की हैं या रसोल अक्रम सम ने उन पर यकीन रखे वाक़ी अल्लाह देगा ये दूसरी बात एहतसाबन एहतसाबन का मतलब क्या है दिल में उस फजीलत के हसूल का उस उसके हसूल की तलब हो उसकी तलब में वो अमल करे कोई और तलब उसकी ना हो कि कोई आदमी ये कहे कि डाइटिंग हो जाएगी हाँ बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आम दिनों में तो हो नहीं पाती रोज़े में हो जाएगी तो ये नीयत हमारी ये नहीं होना चाहिए असल नीयत तकवा की होना चाहिए कि हमारा ईमान सही हो जाए हमारा तकवा सही हो जाए हमारी दीनदारी सही हो अल्लाह राजी हो आखिरत में नफा उसका हो ज़िमनी फ़वाद अपनी तरह अपने आप हासिल हो जाएंगे चाहे आप उसकी नीयत करें या ना करें एक आदमी रोज़े में डाइटिंग की नीयत ना करें नहीं होगी डाइटिंग हो जाएगी वो तो अपने आप हासिल होने वाला है उसको मकसद क्यों बनाए आदमी है मकसूद उसको बनाएं जो वाकई अल्लाह ताला से तलब किया जाता है तो ये जो चीज़ है कि एहतसाब होना चाहिए ईमान और एहतसाब का मतलब क्या कि अल्लाह के वादों पर यकीन और अल्लाह के वादों की तलब यकीन और तलब दोनों चीज़ें होना चाहिए तब जाकर उसके लिए पिछले गुनाह का वो कफ़ारा और पिछले गुनाहों की मफफ़रत का ज़रिया बन जाता है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्ला फ़रमाते हैं इन न ला दुल फ़िक्रन वर इफ़ार के वक्त अल्लाह तै के बाद बाज़बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताली जहन्म से आज़ाद कर देता है यानि वह लायक है कि जहन्म में जाए उसका नाम निकल जाता उसमें से इ लांद कुल फ़िक्रिन वफ़ी ये हर रात होता है यानी रात कब आती है जैसे ही मगरिब होती है जैसे ही इफ्तार का वक्त शुरू हो जाता है रात आती है क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया, स्याम फिर रोज़ा मुकम्मल करो रात तक यानी सूरज डूबने तक जैसे ही सूरज डूबता है रात आ जाती है तो हर इफ्तार के वक्त जब सूरज गरूब होता है तो अल्लाह ताला बाज़ बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है उनका नाम जहन्नमियों से निकाल देता है अब किस दिन हमारा नंबर लगे मालूम नहीं और अगर महीना निकल गया और हमारा नंबर नहीं लगा हमसे ज़्यादा बदकस्मत और कौन हो सकता है कि एक महीना मिला पूरा महीना भी ये इस लायक नहीं बन सका कि अल्लाह ताला इसको जहन्नम से आज़ाद कर दे लिहाजा अरमदान में इस इस बात का ख़ास लिहाज रखना चाहिए कि ये तलब हुआ हमारे दिल में कि काश अल्लाह मुझे जहन्नमियों से आज़ाद कर दे इस हदीस को इब्ने माजा ने इसी तरह से इमाम अहमद तबरानी और ने बेकीिन ईमान में रिवायत किया है रोज़ा जहन्नम के अजाब से ढाल है अल्लाह के अजाब से बचाव है अल्लाह के नबी सल्ला सल फ़रमाते हैं असऊम जन्नः युस्तजन्न बिहल अब्दु मिनन्नार रोज़ा एक ढाल है ऐसी ढाल जिससे एक बंदा अल्लाह के अजाब से अपने आप को बचाता है जहन्नम से अपने आप को बचाता है रोज़ा जहन ढाल क्या होती है जंग में आदमी जब दुश्मन उस पर हमला करता है तो वो जो तलवार या नेज़ा जो भी उस पर हमला करता है उससे वो ढाल उसके लिए क्या बनती है बचाओ उसके लिए हिफाजत तो जहन्नम से बचने के लिए तेरे पास क्या है आदमी देखिए दुनिया में सारी चीज़ों से बचने के लिए एक प्रोग्राम आदमी के पास है रिटायर हो जाऊंगा नहीं होगा तो क्या है बैंक में इतने पैसे जमा करके रखा हूँ या बेटी का निकाह है उस वक्त में मसायल पैदा हो सकते हैं उसके लिए मैंने ये सेटिंग करके रखा हूँ मेडिकल मामलात हैं सेहत बुढ़ापा मसायल बीमारी उसके लिए मेरी ये तरतीब है हर चीज़ के लिए आदमी के पास एक तरतीब होती है जहन्नम से बचने के लिए हमारी तरतीब क्या है ये हम सोचें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है जिसके ज़रिए से बंदा जहन्नम से अपने आप को बचाता है इस हदीस को इमाम कबरानी ने रिवायत किया अलकबीर में इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं व वसन हसीन उमिन नार रोज़ा ढाल है रोज़ा ढाल है बचाव है बल्कि रोज़ा क़िलों में से एक क़िला है जहन्नम के मुकाबले में किसी के लिए वो ढाल है और किसी के लिए वो क्या है किला है कोई आदमी बहुत अच्छे से अब देखिए ढाल से क्या होता है दुश्मन से आदमी सामने से महफूज होता है लेकिन पीछे से हमला हो सकता है लेकिन जब किले में वो होता है तो चारों तरफ से महफूज होता है तो किसी आदमी का रोज़ा बस ढाल की तरह होता है और कोई आदमी अगर और भी अच्छे से रोज़ा रखे तो उसके लिए ऐसा हो जाता है जैसे एक इंसान किले के अंदर महफूज है कि कहीं से भी हमला करो ये महफूज़ है शैतान है नफ्स है इसी तरह से और भी बुराइयाँ हैं समाज का बिगाड़ है आदमी इन बुराइयों से महफूज हो जाता है और नतीजे में जहन्नम से महफूज़ हो जाता है तो इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़ा अगर इंसान वाकई अच्छे तरीके से रखे तो वो उसके लिए क़िले की तरह हो जाता है जो उसको जहन्नम से बचाने का ज़रिया बनता है इमाम अहमद ने और इमाम इमामबी ने इसको रिवायत किया है इमाम अलबी ने शोबा ईमान में यह हदीस नकल की है बल्कि रोज़ा इंसान की कल भी बीमारियों का इलाज है दिल की बीमारी और दिल के लिए सबसे बड़ी नेमत तकवा है रोज़ा तकवा जरिया है अल्लाह रब्बुल रब्लम ने मकसूद असली इसको बताया रोज़े के तल्ल से अगर रोज़े का असल मकसद क्या है कोई पूछे तो उसका जवाब यही होगा कि रोज़े का असल और बुनियादी मकसद ये है कि रोज़ेदार में तकवा की सफ़त पैदा हो वो अल्लाह के खौफ से अल्लाह की खातिर अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचने वाला बने अल्लाह ताली कुरान में फ़रमाता है या यूह लदीन अमनो अलैकुम ही बल्कुमस्या खुत ही मिन कबलिकम लाअल तत्तकून ऐमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए वैसे ही जैसे तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज किए गए थे क्यों फ़र्ज़ किए गए लाकुम तत्तकून ताकि तुम तकवा शियार बन जाओ तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो मालूम है कि रोज़े का मकसद क्या है तकवा तकवा कैसे एक इंसान भूख लगी सामने खाना है रोज़ा है याद आता है रोज़ा नहीं तोड़ना है मुझको इसलिए आदमी खाने से रुक जाता है प्यास लगी सामने पानी है लेकिन गर्मी के बावजूद और अंदर से नफ्स की तलब के बावजूद वो अपने हाथ रोक लेता है पानी नहीं पीता है चाहे कोई देखने वाला ना हो कोई देखने वाला ना भी हो तो वो फिर भी नहीं पीता है क्यों इसलिए कि बोलता तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा ये आदत अगर हो जाए कि किसी के देखे बिन अकेले में भी तन्हाई में भी इंसान अपने रोज़े की हिफाजत के लिए अपने रोज़े की हिफाजत के लिए रोज़ा तोड़ने वाले अमल से बचे अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचे तो ऐसा इंसान ज़िंदगी भर दूसरे अयाम में भी रमज़ान के अलावा भी उन तमाम चीज़ों से बचने की इस अपने अंदर पैदा करता है जो उसके दीन को तोड़ देती है उसके तकवा को दरर पहुंचाती है लिहाजा ये मकसूद रोज़े का है और रोज़े का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान में से तकवा पैदा होता है इसी तरह से दिल की बीमारियाँ और भी हैं हसद है कि ना कपट है बुग्जा दावत है और इसी तरह से शहवात हैं इन सारी बीमारियों का इलाज भी रोज़े में है अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं सोम शहर सबरी वलला अया में मिनकुलशहरिन युद्ध हिबन सद्र आप फरमाते हैं कि सब्र वाले महीने सब्र वाले महीने यानी रमजान के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े युद्ध हिबना व हरा सीने में मौजूद बीमारियों को निकाल देते हैं अगर एक आदमी रमजान के रोज़ों का अहतमाम करें और इसी तरह से महीने के तीन रोज़े रखें तो उसका दिल पाक साफ रहता है उन तमाम बीमारियों से जिनमें दिल का बिगाड़ और बर्बादी है अपने दिल को बचाने का अमल रोज़ा है इस हदीस को इमाम अलबज़ार ने और इमाम तबरानी ने रिवायत किया और यह हदीस सही है रोज़ा रखना इखलास के साथ कितनी बड़ी नमत है अल्लाह के नबी सल्ला फरमाते हैं यक़ूल्लाजल असमोली वज़ी भी अल्लाह ताली फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूँगा यदायुशहता हुआ अकल हुआ शुरब हुमिन अजली बंदा मेरी खातिर अपना खाना पीना और अपनी शहवत छोड़ता है और सौम रोज़ा ढाल है वली सौम फ़रहतान और रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं फरहतन हिना युफिर व फरहत यलकाबाह खुशी एक खुशी उस वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त जब वह अपने रब से मुलाकात करेगा क़ियामत के दिन वल खलूफ़ा वल खलूफ़ा इमी अतिबोनम और रोज़ेदार की के मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा कीमती है रोज़े में मुंह में बदबू पैदा हो जाती है ये जो बदबू है अल्लाह की खातिर थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिरदा और उसके लिए मुजाहिदे की वजह से पैदा हुई इसके नतीजे में अल्लाह ताला क्या करता है अल्लाह के नज़दीक वो बदबू ज़्यादा कीमती है मुश्क की खुशबू के मुकाबले में तो इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं इस हदीस को इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है इससे मालूम होता है कि रोज़ेदार जब इफ्तार करता है तो ख़ुशी उसको होती है एक आम इंसान को ख़ुशी होती है चलो भूख गई भूख गई और प्यास गई अब खाता पीता है तो एक जो है नफ्स को खुशी महसूस होती है और एक वाकई दीनदार इंसान होता है उसको और ख़ुशी होती है क्या खुशी रोज़ा मुकम्मल हो गया दोनों खुश होते हैं अपने ईमान के मर्तबे के अतबार से आप देखिए हदीस में दोनों चीज़ें जमा हैं हम दुआ पढ़ते हैं उस पर गौर करें वह बवमाऊ व बतलतिलोक व सब तल अजरु के प्यास चली गई रगें तर हो गई और औरर पक्का हो गया इन शह तो इसमें एक तो जिस्मानी मशक्क़त के जाने की खुशी दूसरे अल्लाह की तरफ से अजर के पाने की खुशी ये दोनों खुशियाँ रोज़ेदार को मिलती हैं लेकिन ये रोज़े के इफ्तार के वक्त की है एक और ख़ुशी है जो इससे बड़ी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इनाम के वक्त मुलाकात के वक्त जब अल्लाह उसको इनाम देगा उस वक्त उसको खुशी होगी तो ये जो खुशियाँ हैं किसके लिए हैं रोज़ेदार के लिए हम रोज़ा ही नहीं रखें तो कहाँ से मिलेंगे मुझको भूख लगती है प्यास लगती है जॉब है काम है काज है इसकी वजह से आदमी रोज़ा छोड़ दें बल्कि आज मेहमान आने वाले इसलिए घर की औरतें रोज़ा छोड़ दें शर्म की बात है या कोई आदमी बच्चों को तो रोजे रखा है और खुद रोजे नहीं रखे बच्चों के फ़ोटो वोटो तो निकाल के इंटरनेट पर डाल डाल रहा है फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डाल रहा है मेरे बच्चे ने रोज़ा रखा और खुद पान खा रहा है खुद रोजे से नहीं है शर्म की बात है कि बच्चे तो रोज़े रखें लेकिन बड़ा आदमी जबकि उसको कोई बीमारी नहीं है ठीक है किसी को कोई मर्ज़ है कोई उज़्र उसके पास है मुसाफिर है या मरीज़ है उसके लिए उज़र है डॉक्टर ने मना किया है उसके पास उज़र है कोई प्रेग्नेंट औरत है या कोई ऐसे मसला उसका है उसके लिए उज़र है लेकिन ज़बरदस्ती अपने लिए उज़्र बना लेना और उसकी बुनियाद पर रोज़ा छोड़ना गर्मी बहुत है इस साल इसलिए नहीं रख पा रहा मैं कोई बात है को� सहारा में वहाँ बच्चे रोज़े रख रहे हों और यहाँ ये रोज़ा नहीं रख रहा है ए में रह के इससे ज़्यादा बदकस्मत कौन है बहाना लोगों से बना सकता है अल्लाह से नहीं फिर इससे बदकस्मत कौन एक तो वो सिरे से रोजा ना रखे दूसरा वो भी है कि जो रोज़े रखे लेकिन फिर कैसे अपनी चॉइस से रखे मैं किस मैं रोजा मैं रखूँगा मैं सत्ताईसवा रोज़ा रखूँगा मैं जुमा का रोज़ा रखूँगा मैं इतवार की छुट्टी का रोज़ा रखूँगा हम दीन के मामले में अपनी चाहत के मालिक हैं हम अल्लाह की चाहत को पूरा करने के लिए दुनिया में जी रहे हैं मोमिन ऐसा होता है वो अपनी चाहत से अल्लाह के दीन पे नहीं चलता वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने अपनी जिंदगी में दीन को नाफि करता है तो नीयत ये करें कि एक भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे बिला उज़र ठीक है बीमारी किसी को अल्लाह हिफाजत करे सबकी लेकिन बीमारी अगर कुछ हो या कुछ उजर हो तो ठीक है वरना रोज़ा नहीं छोड़ें रोजे सारे के सारे फ़र्ज हैं पूरे महीने के रोजे फ़र्ज हैं ये नहीं कि इंसान अपने दिल से कुछ भी रोज़े रखे ऐसा नहीं है इसको याद रखें कुछ लोग हैं जो रमज़ान का महीना पाकर भी महरूम रहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबीएँ का बिबन जरा हरदी अल्लाह तु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्लासम ने फरमाया दम्बर है मिंबर के पास जमा हो जाओ एक दिन आपने सहाबा से कहा मिंबर के पास जमा हो जाओ फर कहते हैं हम सब जमा हो गए फलम अरतका दरा जतन कला आमीन जब आपने मेंबर पर एक सीढ़ी पर कदम रखा पहली सीढ़ी पर आपने कहा आमीन फलम सानिया दर्ज आमीन। जब दूसरी सीढ़ी पर मेंबर पर कदम रखा तो आपने कहा जीने पर कदम रखा आपने कहा आमीन फलम दर तस्सा सालिता कला आमीन जब तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो कहा तो आमीन फलमा नज नसूल समय नामीन काम्मा कन्ना नस्माय हो जब आप मम्बर से उतरे खुतबा हुआ बातचीत हुई नसीहत आपने की उसके बाद जब आप उतरे मेंबर से तो हमने पूछा अल्लाह के रसूल आज हमने आप से एक ऐसी बात सुनी जो इससे पहले कभी नहीं सुनी आमीन 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 तीन बार आपने कहा हमने इससे पहले कभी आपको ऐसा कहते नहीं सुना क्या बात है कला जबरीलासलाम आरो मेरे पास जबरी सलाम हाज़िर हुए رمضان فلم يغفر फलम अल्लाह की रहमत से दूरी हो इस इंसान के लिए जो रमदान का महीना पाए लेकिन फिर भी उसकी मगफ़िरत ना हो पाए अल्लाह की रहमत से ये बदुआ है जिससे मालूम होता है कि रमदान को ज़ाय करना गुनाह है रमदान गुज़र जाए और इंसान की मगफ़िरत ना हो ये गुना है इंसान के लिए क्योंकि इस पर वईद किस चीज़ की आ रही है अल्लाह की रहमत से दूरी के दूरी हो उस शख्स के लिए जो रमदान का महीना पाए लेकिन फिर भी अपनी मफरत न कराए कुल तमीन फलम मार्की तोानिया अबलिमन दुक्र तिंद हु फ़लम युसल आलक कुल आमीन जब मैं दूसरे जीने पर मैंने कदम रखा तो कहा कि दूरी हो उस शख्स के लिए व अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने आपका ज़िक्र हो और आप पर वह दरूद ना पड़े मैंने कहा आमीन फ़लम आ रकी तो सालसा जब तीसरे जीने पर मैंने इस पर मेंबर पे कदम रखा तो कहा कि बदलिमन अदरख अब वाहिबर इंद हो अवहद हमां फ़लम युद्ध उल्जन्नः तो कहा कि दूरी हो ऐसे इंसान के लिए जिसके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक उसकी ज़िंदगी में बुढ़ापे को पहुँचे, और इसके बावजूद मौका पाकर भी वो उसे जन्नत में दाखिल न कर सकें उसकी जन्नत में जाने का जरिए माँ बाप न बने उसके लिए अल्लाह की रहमत से दूरी हो खुद तो आमीन इस पर मैंने आमीन कहा एक रिवायत में कि जबरील ने कहा कि आमीन कहिए तो मैंने आमीन कहा तो सारे फरिश्तों का सरदार बदुआ करें और सारे नबियों के सरदार आमीन कहें ऐसे इंसान की हलाकत में क्या शक हो सकता है हम उसमें से उन लोगों में से न बने जिन पर यहाँ बदुआ की गई है कौन है वो जो रमज़ान का महीना पाए और फिर भी अपनी नफरत न कराए इस हदीस को इमाम हाकििम ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है आइए देखते हैं रमज़ान को सही तौर से गुजारने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज यह है कि इंसान रमज़ान से पहले रोजा शुरू होने से पहले आमान से पहले क्या करना चाहिए आदमी अखलास का अहतमाम करे जो भी अमल करे अल्लाह के लिए क्यों जो भी करेगा अगर अल्लाह के लिए नहीं होगा जया हो जाएगा अमल वही बाकी रहता है वही सवाब और अजर का इनाम का हकदार बनाता है जो खालिस अल्लाह के लिए हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सलीस में बतलाया जैसे हदीस हमने पढ़ी अल्लाह ताला फरमाता है व वन अजजी है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा तो मालूम हुआ कि रोज़ा किसके लिए होना चाहिए अल्लाह के लिए अब रोज़े में कई दूसरी नीयतें अगर शामिल कर दे आदमी और उन्हीं को बुनियादी नीयत बना लें तो ये रोज़े के मकसूद को फौत करने वाली है कितने लोग हैं खातन हैं मर्द हैं डाइटिंग के लिए रोज़ा रखते हैं तो ये असल नीयत नहीं होना चाहिए ये तो वैसे भी हासिल हो जाएगा असल नीयत क्या होना चाहिए मगफरत जन्नत और वो सारे फ़वाद जो हदीसों में आए हैं तो पहली चीज़ ये कि रोज़े के, के तल्क से इंसान अखलास और एहत का अहतमाम करें अल्लाह के लिए रोज़ा रखे सवाब की उम्मीद में रोज़ा रखे अजर और इनाम के उम्मीद में रोज़ा रखें ये कैसे पैदा होगा जब हम पढ़ेंगे कि रोदे पर ये फ़ायदा है उसकी ये फ़जीलत है उस पर दुनिया और आख़रत में ये इनामात है हम ये पढ़ना छोड़ दिए हैं हम ये सुनना छोड़ दिए हैं हम मसाइल तो जानते हैं कि किस चीज़ से रोज़ा टूटता है क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मसाइल सीख लेते हैं लेकिन आमाल के ताल्लुक़ से जो फ़जीलत के अफवाब हैं वो हम नहीं पढ़ते हैं वो हम नहीं सुनते हैं इसका नतीजा ये होता है कि हमारा अमल खोखला बनकर रह जाता है हमारे अमल में वो ववत नहीं होती है उसके अंदर वो कैफियत हमको नसीब नहीं होती हैं बस रूटीन और मशीन के तौर पर हमारा अमल हो जाता है अहिल ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं इमाम मंदिरी ने किताब लिखी पाँच जल्दों में अतरगीब व और तरहीब पाँच जल्दों में किताब है जिसमें हर हर अमल की फजीलत और उस अमल के छोड़ने या बिगाड़ के साथ अदा करने पर उसकी वईद क्या है तो ये हमको पढ़ना चाहिए अपने घरों में सुनाना चाहिए ताकि हर इंसान की नीयत सही हो और वो रगबत उसको हो और अमल में क़वत पैदा हो तो ये बहुत ज़रूरी है रोज़े में नफ्स की असलाह मकसूद रखे आदमी ये टारगेट बनाए ये महीना मुझे मिलने वाला है मैं इस महीने में बिगाड़ से बचने वाला बनूँगा और उसको मेनटेन करूँगा बाक़ी महीनों में ये नीयत हम करें कि इस महीने को मैं अपने नफ्स की तरबियत और पाकिजगी का महीना बनाऊंगा हम में से कितने नीयत करते हैं इस महीने को मैं अपनी ट्रेनिंग का महीना बनाऊंगा अपनी तरबियत का महीना बनाऊंगा अल्लाह के मना किए कामों से रुकने के लिए चाहे कोई देखे या ना देखे चाहे कोई दुनिया में नुकसान हो या ना हो मैं बुराइयों से बचने वाला बनूंगा और इसी आदत को मैं बकिया महीनों में भी जारी रखूंगा ये नीयत हम लोग करें इसी तरह से रमजान के आने से पहले मालूम ले लेना चाहिए ऐन वक्त में रात के दो बजे आलिम साहब को फ़ोन किया कि आलिम साहब अगर इंसान रोज़ा में बाल काटे तो रोज़ा टूटता क्या कई लोग हैं ऐसे सवाल पूछते हैं जो एक आम मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि बाल काटने से रोज़ा टूटता कि नहीं टूटता उसको अभी तक नहीं मालूम है आन रमदान के महीने में वो पूछ रहा है रोज़े की हालत में पूछ रहा है उसको चाहिए कि पहले से मसाइल सीख ले की किताबें मौजूद हैं खिताबात मौजूद हैं मौजूद हैं वो देखे कि क्या क्या चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए वो ऐसी किताबों का मताल करें जिसमें रमदान के तलुक़ से अहकाम मौजूद हैं उसकी फवालल वाली किताबें भी देखें और उसके तल्ल से जो अहकाम हैं वो भी मसायल उसके जो हैं वो भी देखें रमदान से पहले इल हासिल करना रमदान का फ़र्ज है फ़र्ज़ है अल्लाह के नबी सल्ला सल फरमाते हैं

अभी से उसकी तैयारी करें अभी से उसको मालूम करें नंबर दो रमदान के अमाल में से एक अमल रोहियत हिलाल का है रोइत हिलाल, आसमान में चाँद देखना ठीक है दूसरे की खबर भी चलती लेकिन उस पर एक नेकी से हम महरूम हो जाते हैं वो क्या है? हिलाल देख कर दुआ पढ़ना हिलाल महीने के पहले चाँद को कहते हैं रोज़ाना नहीं बल्कि हर महीने के पहले चाँद को कहते हैं तलहा इब्न अबिल्ला कहते हैं अन नबी सदा हिलााल जब अल्लाह के रसूल सल्लाम महीने का पहला चाँद यानि हिलाल देखते तो आप यूँ कहते बिलयमन वालईमानी वसलमत वसलाम रबी व रब्ला इस महीने को हम पर बरकत और ईमान के साथ नमदार कर इस हिलल को इस हिलल को हमारे लिए बरकत और ईमान के साथ में यम और ईमान के साथ हम पर ज़ाहिर कर व सलामती व इस्लाम और सलामती के साथ और इस्लाम तेरी फरमाबरदारी के साथ इसको हम पर ज़ाहिर कर रब्बी व रब्ला तेरा मेरा रब भी और तेरा अल्लाह ही है बाज़ रवायात में अल्ला के अल्फाज भी आए हैं वो भी सही है अगर किसी ने वैसे याद किया है वो भी ठीक है उसमें कोई हरज नहीं है तो दोनों तरह से रवायात हदीस की किताबों में आई है इस हदीस को इमाम अहमद तिरमिदी और हाकिम ने रिवायत किया है बाज़ रिवायतों में बिल अमन वाल ईमान भी आया है तो ये भी ठीक है ये भी रिवायत सही है इसमें जिसने जैसे याद किया वो उसको पढ़ें लेकिन हिलाल देख कर ये दुआ पढ़ना ये सुन्नत है तो जो बहुत सारे लोग जो हैं चांद देखती चांद मुबारक चांद मुबारक शुरू कर देते हैं और ये दुआ नहीं पढ़ते हैं कितनी बड़ी नेकी है जो इंसान को महीने में एक ही बार नसीब होती है और वैसे भी लोग साल भर तो चांद देखते भी नहीं हैं एंड ईद ही के लिए या इसी तरह से रोज़े के लिए रमज़ान के लिए चांद देखते हैं ये दुआ पढ़ें इस दुआ का अहतमाम करें इसमें बहुत बड़ी यानी खैर की तलब है कि इस महीने को हमारे लिए बरकत वाला बना ईमान की तरक्की का ज़रिया बना सारे शुरू से सलामती का ज़रिया बना और इसी तरह से हम हम अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएँ इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाएँ इस महीने को ऐसा महीना हमारे लिए बना जो आदमी ये पढ़े और वह कबूल हो जाए तो उसका महीना कितना खैर और बरकत वाला और दीन और ईमान वाला होगा इसके लिए ये इस सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ऐसी ऐसी उमदा दुआई है तीसरी चीज़ जो इस महीने में जिसका एहतम करना चाहिए वो क़ियाम रमदान है तरावी जिसको हम कहते हैं क़याम लैल जिसको कहते हैं क़्याम रमदान जिसको कहते हैं इसका अहतमाम करना सिर्फ पहले दस दिन में नहीं बल्कि पूरे महीने में कुछ लोग जोश में आ जाते हैं शुरू शुरू में फिर धीरे धीरे यानी किसी न किसी बहाने से वो क़यामलैर को छोड़ देते हैं बहुत सारे चोर दरवाजे उसमें हैं चार रखत पड़ के जाते घर पे बकिया चार जो है आखिरी रात में पढ़ूंगा काय का उठता है वक्त पे भी उठाती है शहरी के वक्त में उठो जी जल्दी वरना वक्त चला जाएगा अब इसके बाद नहीं उठाऊंगी फिर उठता है किसी तरह से शहरी के डर से शहरी चली जाएगी और फिर नमाज़ कहाँ गई उसकी चार गति चली गई उसकी पूरी नमाज़ आदमी पढ़े इमाम के साथ में ज़्यादा अफजल है बेहतर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मनका غفر ईमान ما गफ़िर من भी जो रमदान में यानी क़्याम करे ईमान एहतसाब के साथ इस पर जो वादा है उसके यकीन और उस पर उसकी तलब के साथ उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है बल्कि एक रिवायत है जिसको ध्यान से सुनना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इन नहू حتى ينصرف, वो इंसान जो इमाम के साथ लैल करे यहाँ तक कि इमाम फारिग हो, कुतिब होती बलह क़्यामलिन उसे बकिया पूरी रात लैल का सवाब मिलता है किसको वो जो शुरू से अख़िर तक इमाम के साथ तरावी के ख़त्म होने तक शरीक रहे जो बीच में से जाता है उसको नहीं मिलता पूरी रात लैल का सवाब किसको मिलता है जो इमाम के साथ पूरी नमाज में नमाज से फारिग होने तक शरीक रहे तो अगर ऐसा पूरे लैल में रहना पूरे लैल में रह, शरीक रहना बीच में से नहीं जाना बगैर उज़र के नहीं जाना किसी का उजर है तो और बात है लेकिन बग़ैर उज़र के नहीं जाना तो जो आदमी ऐसा करता है उसको बकिया पूरी रात का सवाब मिलता है एक घंटा तरावी मुश्किल से पढ़ लिया बाक़ी पूरी रात सवाब मिलेगा इबादत का किस बिना पर कि इमाम के साथ आखिर तक वो शरीक था वितर पढ़ने तक पूरा था तो ये अहतमाम हम लोग को करना चाहिए बाज़ा देखने में आता है कि लोग बाहर खड़े होते हैं और मस्जिद में तरावी चल रही होती है क्यों बाहर है भाई तो बाद में पढ़ लूँगा हम बची हुई थोड़ी पढ़ लिया मैं या कोई सिरे से पढ़ता ही नहीं है फ़र्ज़ पढ़ लिया बाहर जाके खड़ा हुआ है वो यहाँ भी नहीं पढ़ता घर पे भी नहीं पढ़ता हाँ अगर कोई आदमी घर पे पढ़ने वाला हो तो कोई हर्ज नहीं उसकी अपनी चाहत है बादसाहबा जो हैं आखिरी हिस्से में तरावी ख़ुद से अकेले में पढ़ते थे तो जैसा भी आदमी चाहे पढ़े पढ़े छोड़े नहीं और हर आदमी अपने आप को जानता है कि वो कितना ईमानदार है पिछला एक्सपीरियंस और ज़्यादा उसके लिए हाँ मालूम है कि मैं पहले कैसा करता आया हूँ जो आदमी छोड़ने वाला है जिसके उठने के चांसेस नहीं है, वो शरीक हो जाए जमात में और जो आदमी मामूल उसका है उठने का वो आखिरी रात में पड़े ये ज़्यादा अफजल है इमाम के साथ शरीक होना इसके बाद क्या है? सोम में सहरी और इफ्तार सहरी और इफ्तार, अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं बक कि व आखिर इफ्तार में जल्दी करो और शहरी में ताखीर करो इस हदीस को इमाम साद ने इसको इब्न अदी ने अलकामिल में रिवायत किया है क्या है बक के रुबिल इफ़ार यानि सूरज गुरुब होते ही जल्दी करो इफ्तार करने में बेवजह उसको टालो मत और शहरी को देर से करो यानि आखिरी वक्त में शहरी करो उसका वक्त ख़त्म होने से पहले देरी का मतलब ये नहीं कि वक्त ख़त्म हो गया और फिर भी खाता बैठा है कि, कि देर करना है इसमें नहीं बल्कि सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले आखिरी आखिरी वक्त में वो क्या करें सहरी खाए तो ये हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के वसल्लम फ़रमाते हैं ला यिन माजल्फ़ित्र लोग हमेशा भलाई पर रहेंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहें फ़ैनूद इसलिए कि यहूद देरी करते हैं यहूद इफ्तार में क्या करते हैं देर करते हैं यहाँ तक कि सितारे निकल आए तब तक के इंतज़ार करते हैं तो यहूद का अमल है तो इतनी देर करना कि सितारे निकल आए ये सही नहीं है जायज़ नहीं है तो जल्दी करो किस में इफ्तार में और उम्मत खैर पर रहेगी इस हदीस को इमाम इबन माजा ने रिवायत किया है इसी तरह से रोज़े का एक अमल यानी रमदान का एक अमल ये भी है कि इफ्तार के खाने में हम इफ्तार की दुआ को ना भूलें चाहे कितना ही लजीज़ खाना क्यों ना हो हम इफ्तार की दुआ को भूलना नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तो दुआ याद भी नहीं होती है दुआ याद करना चाहिए बिस्मिल्लाह कह के हम इफ्तार शुरू करें और उसके बाद दुआ है क्या दुआ है खाने के बाद वह बऊ वबलो वजुल इशा इबन उमर रदी अल्लाह तम कहते हैं

तो ये जो दुआ है अबू दाऊद और हाकिम ने इसको रिवायत किया है और ये हदीस हसन दर्जे की है इसी तरह से रमजान में इबादत का अहमाम करना इबादात का एहतमाम करना ये नहीं कि एक इंसान मेरा रोज़ा है कोई उठाना नहीं मुझको बहुत सारे लोगों का हाल क्या होता है रात में देर तक गपशप करेगा बाहर हाँ फालूदा और नचाने कितनी खुराफात में जाके वक्त गुजारता है दो दो बजे तक जागता है फिर बाज़ लोग क्या करते हैं शहरी बोलते हैं अब मालूम नहीं उठूंगा कि नहीं उठूंगा तो शहरी खोना तो नहीं है तो क्या करेंगे सोने से पहले ही खा लेते हैं कि अगर नहीं उठ पाया तो महरूम नहीं रहना चाहिए यानी खाया हुआ रहना चाहिए क्योंकि दिन भर भूखा रहना है तो जल्दी से शहरी कर लेते हैं इतना जल्दी शहरी नहीं करना चाहिए बल्कि आखिरी वक्त में शहरी करना चाहिए फिर उसके बाद जब रात में नींद नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं दिन भर सोते रहते हैं इबादत में वक्त नहीं होता है एन बीवी झिंझोड़ के उठाती है जी नमाज़ का वक्त जा रहा उठो जल्दी कैसा रोज़ा तुम्हारा रोज़ा रखते नमाजें नहीं पढ़ते हाँ ये हाल होता फिर ज़िल्लत के साथ उठता या तो पढ़ता या तो लेट हो जाती है तो कज़ा हो जाती है और फिर उसके बाद में सीधा आके के उँगते बैठता है अफतार के लिए थाली के सामने देखता क्या क्या बना हुआ है उसमें तो ये हाल अगर हमारे रोज़े का है तो हम बहुत बदकस्मत हैं ये महीना एक महीना वापस मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं एक एक लम्हा उसका कीमती है इसको हम नेकियों से भर दें इसको हम नेकियों से भर दें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत सारे अमाल बताए जो रमज़ान में करने चाहिए रोज़े की हालत में ख़ास तौर से आप फरमाते हैं सलात फलातु दावा मुस्तजाबाद तीन दुआएं ज़रूर 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 कबूल होती हैं तीन दुआएं कबूल होती हैं यानी तीन लोगों की दुआएं कबूल होती हैं दावतम व दावतुलमलूम व दावतुलमसाफ़िर रोज़ेदार की दुआ मज़लूम की दुआ मुसाफ़िर की दुआ ज़रूर कबूल होती है रोज़ी की हालत में आप बताइए एक इंसान रात के तीसरे हिस्से में दुआ करे कबूल होती है उससे ज़्यादा वक्त किसका है रोज़े का है शहरी से लेके इफ्तार तक का जो वक्त है वो पूरा का पूरा वक्त उसको अल्लाह ने दिया जितनी चाहे दुआ कर कबूल होगी कितनी दुआ करते हैं हम लो? है। लोग सोचिए बाज़ लोग ऐन इफ्तार के पहले आगे बैठ जाते दुआ करने के लिए उसको ख़ास करना दुआ के लिए ठीक नहीं है हाँ इंसान इस एतबार से दुआ करे कि पूरा दिन पूरा रोज़े की हालत दुआ के लिए है तो इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन बाद लोग ये समझते हैं कि ख़ास इफ्तार के वक्त दुआ करना चाहिए ख़ास इफ्तार के वक्त दुआ करने की कोई हदीस सही नहीं है अलबत्त रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है ये हदीस सही है तो पूरा दिन आदमी जब मौक़ा मिले दुआ करे जब भी उसको मौक़ा मिले अल्लाह से दुआ करें अपने लिए अपने घर वालों के लिए मुसलमानों के लिए अपनी माश के लिए अपनी माद के लिए आख़िरत के लिए दुआ करें अपनी औलाद के लिए दुआ करें तो ये इंसान वक्त इस तरह से गुजारें कि दुआएं अल्लाह से करें यह महीना मांगने का है अल्लाह देता है ये इसीलिए तो बताया जा रहा है कि हम मांगें अल्लाह ताला से तो रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है इस हदीस को इमाम अलबकी ने शोबा ईमान में रिवायत किया है इसी तरह से रमदान के अमाल में से एक है इबादत में से तिलावत क़ुरान इसका ख़ास अहतमाम करना चाहिए ये नहीं कि पहले दो तीन दिन में चार पाँच पारे पढ़ लिए उसके बाद में जो छोड़ दिए तो अगले साल नंबर आएगा नहीं बल्कि अपना एक बजट रखे अपना एक मकदार रखे कि मुझको कितना रोज़ाना पढ़ना है फिर दिन के मुख्तलि अवकात में मुझको कौन कौन सी नमाज़ के आसपास पढ़ना है चार हिस्से मान लीजिए आपने कर दिए फजर के बाद पाव पारा पढ़ूँगा फिर ज़ोहर के पहले जल्दी जा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले वक्त ज़्यादा होता है अज़ान के बाद उसमें पढ़ लूँगा फिर इफ्तार से पहले वक्त मिलता है थाली को घूरते रखने में कुछ रखा नहीं है उससे अच्छा है कि कुरान में अपनी निगाह रख के उसको पढ़ें फिर रात में जब सब हो जाएगा तरावी से आऊँगा बैठूँगा फुर्सत से सोने से पहले थोड़ा सा पढ़ लूँगा चार अवत्या अगर कर ले पाव पाव पारा पढ़ एक दिन में कितना हो जाता एक पारा हो जाता पूरे महीने में पूरा कुरान ख़त्म फिर अपने हिसाब से जैसे औकात हो सकते हैं उसके ऑफिस में बैठा हुआ है कुछ काम नहीं है कर रहा दुकान पर बैठा हुआ पढ़ रहा है पढ़ सकता है आदमी नहीं पढ़ सकता ऐसा नहीं जितना व्हाट्सअप पढ़ता है अगर कुरान उतना पढ़े तो एक कुरान महीने में ख़त्म हो जाए कितना पढ़ते हैं हम व्हाट्सएप छोड़ते कोई मैसेज क्या मजाले के कोई मैसेज रह जाए हमसे लेकिन कुरान हम नहीं पढ़ते लोगों के मैसेज पढ़ रहे हैं अल्लाह का मैसेज कहाँ से पढ़ रहे हैं कुरान अल्लाह का पैगाम है इसको कितना पढ़ रहे हैं हम रमजान <SUSU> का महीना कुरआन का महीना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जिब्रील के साथ कुरआन की का यानी दौरा किया करते थे अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते हैं इन जिब्रील कान खान अल अल कुल कल मरतन जबरील हर साल मेरे साथ यानी हर साल मेरे साथ एक कुरान का दौर करते थे व इन आरदनी अमाम मरतिन और इस साल जिब्रील ने दो मरतबा मेरे कुरान का दौर किया है वला ओ राहदरा अजली मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त आ गया है मौत का वक्त आ गया है इस हदीस को इमाम अलबुख़ारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तो रमजान में कुरान की तिलावत का हहतमाम करें रमजान में जिक्र करें अल्लाह ताला का सुबहानल्लामदिल्लाकबर सुबहानल्लामदही सबहान अल्लादीम कई अजकार हैं इसफ़ार हैं और न जाने कितने अजकार हदीसों में आए हैं उनका अहतमाम करें या जो मदद अजकार हैं नींद से बेदार होने का ज़िक्र इसी तरह से सोते वक्त का जिक्र और खाने से पहले शहरी या इफ़ार खाने से पहले खाने के बाद का जिक्र बिस्मिल्लाह बोल के खाएँ खाने के बाद की दुआएं कपड़े पहनने जो भी मौका अजकार हैं एक मकसद बनाएं कि इस महीने में मैं इतने अजकार जो भी हैं सब करूँगा पाबंद बनूँगा ताकि साल भर इसकी आदत हो जाए हर दिन इसका एहतमाम करें हर दिन मुहासभा करें अपना कितना किया मैंने तो जिक्र का अहतमाम करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा अमल किसी आदमी ने जिक्र से बढ़कर अल्लाह के जिक्र से बढ़कर अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई अमल नहीं किया कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अजाब से इतना बचाता हो जितना अल्लाह का जिक्र बचाता है तो अगर कोई इंसान अल्लाह के अजाब से बचना चाहता है उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला का जिक्र करें चलते फिरते भी कर सकते हैं वज़ू भी ज़रूरी नहीं है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप इंतज़ार कर रहे हैं क्या करते जेब में से फ़ौर मोबाइल निकालते हैं हा? हाँ मस्जिद में बैठे हैं थोड़ा सा अभी इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी पहुँच गए क्या करते हैं फ़ौन मोबाइल निकालते आज हमने उसको अपने लिए कुरान की तरह बना लिया जैसे सलफ़ के लिए कुरान था आज हमारे लिए मोबाइल बन गया है हम क़ुरान पढ़ें जिक्र करें ज़िक्र करें अल्लाह को याद करें अल्लाह से दुआ करें अपने औकात को मामूर करें इबादत से ये सब काम आने वाला नहीं दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं वही काम आएगा जो अल्लाह से जोड़ने वाला अमल है। जो जो, अल्ल, जो अमल अल्लाह से नहीं जोड़ता वो काम नहीं आएगा वही अमल काम आएगा जो अल्लाह से जोड़ता है मलओना मलओना अक्रल तम और मतलमन अल्लाह के नबी सल अला से फ़रमाते हैं कि दुनिया मलअन है उसमें जो भी सब लानत का हकदार है अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला है अल्लाह की रहमत से दूर है सिवाए अल्लाह की याद के या वो चीज़ जो अल्लाह की याद से जोड़े अल्लाह से जोड़े या फिर आलम और तालब इलम या तो आदमी अल्लाह को याद करने वाला हो या अल्लाह की के हुक्म को पूरा करने का हासिल कर रहा हो अदे और अमल के अतबार से वह आदमी महफूज है तो यह हदीस जो मैंने बयान की इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है इसी तरह से रमजान में तोबा का अहतमाम करें जो भी गुनाह किए हैं हम पेंडिंग में कितने गुनाह रखे और तौबा नहीं करे और तौबा करें और भूल गए सोचिए अल्लाह से तोबा इस करें अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं इन शैतान कल का, शैतान ने अल्लाह ताला से कहा देखिए क्या कहा शैतान ने वह इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब रहो उ इबादक मा दामत अरवाह फीसदेरी इज्जत की कसम कसम खा के कौन बोल रहा शैतान मैं तेरे बंदों को भटकाने की मुसलसल कोशिश करता रहूंगा जब तक के उनकी रूह उनके जिसम में बाकी है तब तक भटकाने की कोशिश करूँगा फकाल रब व इज्जत ही वाली तो अल्लाह तला ने भी उसके जवाब में क्या कहा तो रबुलमीन ने कहा मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम ला अजाल मस्तफरूनी मैं भी उनकी मकफरत करता रहूंगा जब तक वो मुझसे मफफरत मांगते रहे जब तक वो मुझसे मकफरत की दुआ करते रहे मैं भी मगफरत करता रहूंगा हम छोड़े नहीं मकफिरत की दुआ करना कभी अल्लाह से मायूस ना हो चाहे कितने गुना हमसे हुए हो अल्लाह तला से हम दुआ करते रहे मुआफ़ी मांगते रहे अल्लाह से इस्तफार करना सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं है बल्कि आइंदा गुनाहों से बचने का भी ज़रिया है जब एक इंसान अल्लाह ताला से इस्तार करता है तो अपने अंदर कवत पैदा करता है उस गुनाह से बचने की लिहाजा रमदान में ख़ूब इस्तफ़ार करें गुनाहों से बचने के लिए और गुनाहों की माफ़ी के लिए इस हदीस को इमाम अहमद और अबूयाला और हाकिम ने रिवायत किया है इसी तरह से रमदान के अमाल में से उमरा भी है रमजान के अमाल में से उम्रा भी है कि रमजान में क्या, क्या क्या करना चाहिए उम्र भी कर सकते हैं उम सिनान रदी अल्लाह तहा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्ला ने उनसे कहा फ़ इदा का ना रमदान ए जब रमजान का महीना आए तो तुम उमरा करना रमजान के महीने में फ़ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ हजन इसलिए कि रमदान के महीने में उम्रा करना हज की तरह है हज के बराबर है बल्कि एक रिवायत में आपने फ़रमाया फ़ा नम्र तनफी रमदान तक भी हज तमै इसलिए कि रमदान में किया जाने वाला उम्र ऐसा हैं जैसे कोई इंसान मेरे साथ हज करे अल्लाह के नबी सल्लासम के साथ हज करने की तरह रमदान का उम्र है जिन लोगों को अल्लाह त माल दिया है आसानियाँ पैदा की हैं रमदान के महीने में वो उम्र का भी एहतमाम करें और ये इतनी बड़ी नेकी है जैसे गोया कि एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर रहा हो इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है इसी तरह से रमज़ान के आमाल में से एक अमल ये भी है कि वो अपने माल में से गुरबा फ़करा और ख़ैर के कामों में ख़र्च करे वो माल को छोड़ने वाला हो सिर्फ जोड़ने वाला ना हो बल्कि खैर के कामों में ख़र्च करे इब्न अब्बास सद अल्लाह तार कहते हैं कहना नबी सलाज व ना सिबिल खैर अल्लाह के रसूल सला वम खैर के कामों में बड़ी सखावत दिखाने वाले थे आप बहुत सखी थे खैर के तल्ल से वह कन अज वुमाया खून फ़ी रमदान और आप सबसे ज़्यादा सखी रम़ान के महीने में होते थे आपकी सखावत की इंतहा रम़ान में होती थी इन रम़ान में तो आप और भी ज़्यादा सखाव करने वाले होते हैं लोगों के ऊपर ख़र्च करते उन्हें उनकी ज़रूरिया देते माल और जो भी है उनको देते हैं तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है इसे मालूम होता है कि रमज़ान के महीने में एक इंसान को सखी बनना चाहिए सखी बनने के लिए अमीर बनना ज़रूरी नहीं है इसको याद रखिए सखी बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए चाहे जेब छोटी हो उसमें ख़र्च करने का मिजाज हो वो अपने पास से जितना दे सकता है दे गरबा और फ़करा पास पड़ोस में कई गरीब लोग होते हैं कि पिछले रमदानों में आप देखिए कई मुसलमान ऐसे थे जिनके पास ठीक से खाने के लिए भी नहीं था क्योंकि जॉब नहीं था लॉकडाउन सब बंद दुकानें बंद परेशान हाल थे बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोग दुनिया भर में करते रहे मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा ये होना चाहिए पहले हम मुसलमान का ख्याल रखें ज़रूरतमंद का ख़्याल रखें दूसरों के लिए भी करें हम तो सारे लोगों के लिए करते हैं इस्लाम इसी की तालीम देता है तो मुसलमान का ख्याल रखना ख़ास तौर से रमदान में कई लोग ऐसे होते हैं कि इस महीने में तनख्वाह उनकी काफ़ी नहीं होती है शहरी इफ़ार खाने पीने ये वो कर नहीं पाते पास पड़ोस में दूसरे लोग तो अच्छा अच्छा खा रहे हैं ये बेचारे वही सूखा रूखा खाते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं देता लोग अपने अपने में मगन रहते हैं ऐसे आदमी उनका भी ख्याल रखें उनका भी ख्याल रखें इसी तरह से इसमें एक अमल ये भी है सखाव के अतबार से कि हम रोज़ेदार कोफ़ार कराएँ इतनी बड़ी नेकी है जो सिर्फ़ हमारी सुस्ती और लापरवाही की वजह से हमसे छूट जाती है और जाहिर बात है कि अल्लाह तोफीक दे तो ही होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मनफ़ रसा इमन क्या अजरी ही जो आदमी किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके लिए रोज़ेदार की तरह सवाब है और गैर अनुसुमिन अजरस्ा इम शैन हाँ रोज़ेदार के में से कोई कम करके इसको नहीं दिया जाएगा कि उसका सवाब इसको दे दिया उसका सवाब तो उसको मिलेगा लेकिन उसकी तरह इसको सवाब मिलेगा जिसने इफ्तार कराए इफ्तार कराने को कितना वक्त जाता मुश्किल से पाँच से दस से पंद्रह मिनट खूब खाने वाले भी पंद्रह मिनट से ज़्यादा तो नहीं खाते ना इतना सा वक्त उसके लिए लगता है और कितना दे आदमी थोड़ा सा भी खिला दिया खजूर खिला दी खाना थोड़ा सा खिला दिया इफ्तार में जो भी खिला दिया दिन भर वो बेचारा भूखा प्यासा रहा इतना मुजाहदा किया और दस मिनट पर वो सारा अजर इसने ले लिया है एक आदमी को खिलाया तो एक सौ आदमी को खिलाया तो सौ तो एक आदमी एक रमदान में कितने रोजे रख सकता ज्यादा से ज्यादा हाँ इकतीस जनवरी फरवरी तो नहीं यहाँ पे तीस रोजे से ज्यादा रोजे हो सकते किसी के नहीं लेकिन उसी रमदान में वो ज्यादा रोजों का सवाब ले सकता है कैसे इफ्तार करा के और सौ लोगों को कराना जरूरी नहीं हर दिन किसी को पकड़ के ले गए अपने घर बैठो मेरे साथ दावत तुमको और उसको इफ्तार करा दी नहीं तो भी इफ्तार का सामान उसको दे दे भाई टाइम नहीं उसके पास आने के लिए ठीक है उसको इफ्तार कर मस्जिद में या कहीं भी जहाँ भी होती हो इफ्तार घरों में पास पड़ोस में दे दें तो इस तरह से इफ्तार कराने पर उसका सारा सवाब रोजे का हमको मिलता है तो एक तो तीस रोजे हमारे तीस उसके अगर मान लीजिए एक ही आदमी को कराया कितने हो गए साठ एक रमदान में साठ रोज़े कोई रख सकता है नहीं लेकिन इफ्तार करा के वो सवाब ले सकता है पाँच मिनट का काम है और थोड़ा सा खर्च करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं क्यों नहीं कर पाते हम सुस्ती सुस्ती बदकिस्मती हमारी है हाँ अगर ये करें तो रियाकारी के लिए ना करें फिर बोर्ड लगा रहे हैं हमारा हमारी तरफ से खु, खुलेआम इफ्तार की दावत हाँ और उसके नीचे नाम भी सुनहरे अल्फाज में तो ये ना करें उसको अपनी सियासत का और उसके अपनी शोहरत पसंदी का ज़रिया ना बनाएँ पूरा अमल बर्बाद होगा उसमें और गुना अलग से तो इफ्तार कराना ये बहुत बड़ी नेकी है इसका अहतमाम करें ख़वातीन भी पास पड़ोस में कुछ इफ्तार में अगर भेज दें वो खा लें उसकी तकदीर और उसकी नीयत पर तो आजिर मिलेगा उसको ज़रूर इनशा तो इस हदीस को इमाम अहमद तिरमिदी इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है इसी तरह से रमदान के अमाल में से एक ये अमल भी है कि आखिरी अशरे में खूब मुजाह करें आखिरी अशरे में क्योंकि अब जा रहा तो आदमी क्या करे खूब मुजाहदा करे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करे हज़ायशर रजी अल्लाह फरमाती हैं कान नबी सल आश्र शम हो वह वई लू इमामबुखारी मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है फ़रमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्हलम जब रमज़ान के आखिरी अशर्या आ जाता आखिरी अशर आ जाता तो आप अपनी कमर कस लेते तहबंद अपना बांध लेते और रातों को जागते इबादत में और अपने घर वालों को भी जगाते रातों को ज़िंदा करते अल्फाज क्या के है आह या लई लहू आदमी सोया रहे तो क्या है ये मौत की तरह है लेकिन बेदार होकर इबादत करें गोया कि रात को उसने ज़िंदगी दी है आह या लई लहू व अई अहल हो और अपने घरवालों को भी इबादत के लिए जगाते हैं तो आखिरी अशरे में जागने का तस्वर बाज़ लोगों के नज़दीक क्या है किसी तरह से यहाँ बैठे चौक में वहाँ बैठे होटल में ये खाएँ चाय पिए ये करें घर पर आके फिर और कुछ ना कुछ खाने पकवान में लगे रहें जागे रात को पूरा खाली जागना नहीं है जागना क्या है इबादत के साथ रात का वक्त हम इबादत में गुजारें कुरान की तिलावत करें जिक्र करें दुआएं अल्लाह से करें लैल का अहतमाम करें जो भी हम कर सकते हैं नेकियां करें दीनी किताब पढ़ें घर वालों को लेके बैठ के थोड़ी सी दो चार नसीहत करें कुछ पढ़ के सुनाएं उनको तो हमारे घरों में ये होना चाहिए हमारी हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ आना चाहिए तो आखिरी अशरे में इबादत का अहमाम करें आम दिनों से ज़्यादा क्योंकि अब रमजान ख़त्म होने वाला है ऐसे अयाम वो होते हैं ख़ास करके ताक रातों में रातें कौन सी हैं इक्कीसवीं रात तेईसवीं पच्चीसवीं सत्ताईसवीं और उनतीसवीं तो अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं तहरऊलत कदरी फ़िलवितिमिनशरी आख़री में रमदान कद्र को तलाश करो रमदान की आखिरी अशरे की ताक रातों में उन रातों में रमदान के आखिरी अशरे में ताक रातों में कद्र के लिए इबादत करना चाहिए तलाश करो का क्या मतलब है ढूँढो उसको तलाश करो का मतलब यह है कि पाने की कोशिश करो उन रातों में इबादत करो ताकि तुम उस रात में इबादत करने वालों में शुमार हो कौन सी भी हो इक्कीसवीं होगी तेईसवीं होगी पच सारी रातों में अगर इंसान इबादत करें आखिरी पूरा आशरा इबादत करें जो भी कद्र होगी उसको नसीब होगी कि नहीं होगी हो जाएगी अगर किसी को मालूम हो जाए कि दस कैरी बैग है उसमें एक में लाख रुपये हैं और जो चाहे ले लो अगर बोल दे उसको जिसको चाहे मिलेगी वो तो एक ही लेगा बैंक क्या करेगा पूरी थेलियाँ ले लेगा ले ताकि घर पे जाने के बाद चेक करूँगा जिसमें भी निकलेगा वो तो मिल जाएगी दस की दस ले लो पैसे में समझ में आता है लेकिन नेकी में नहीं समझ में आता है तो आखिरी अशरे की दस की दस रातें हम इबादत करें ताकि जो भी ललित़द्र होगी इससे बाहर तो नहीं होगी इन्हीं में होगी वह हमको मिल जाए इसी तरह से ललित़द्र की इबादत की फ़ज़ीलत क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मन मनकाम ललित्र ईमानसा बन गुफ़िर तकदम अमिनम भी जो लैलतुल क़द्र में इबादत करे क़याम करे ईमान व एहतसाब के साथ यकीन व तलब के साथ उसके पिछले सारे गुनाहों की मफ़रत हो जाएगी इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है रमज़ान के आखिरी अशरे का अमल एहतिकाफ भी है एहतिकाफ़ ये हैं कि मस्जिद में एक जगह इंसान पड़ा रहें इबादत करता रहें और मस्जिद से बिला हाजत बाहर ना जाए और मस्जिद में भी ऐसा कोई काम न करे जो इबादत के और उसकी ज़रूरियात के ख़िलाफ़ हो फूलियात में वो शामिल ना हो कोई ऐसा काम न करे जो इबादत से हट के हो बस जो ज़रूरतें हैं उतनी पूरी करें और उसके अलावा इबादत में वो गुजारें तो इसको इतक कहते हैं अब हर रदी अल्लाह कहते हैं كان وسلم في كل رمضان नबी सकीफ़ो في रमदान رمضان एयाम फ़ीकुल रमदान अशरत्यायाम अल्लाह के रसूल सल्लाम हर रमदान में आखिरी अशर् का अहतका करते थे तो रमदान के दस दिनों का अहतकाफ़ करना ये क्या है सुन्नत है तो अब ये अहतकाफ़ ये बुखारी की रिवायत है ये अहतकाफ़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गपशप का अड्डा बना ले मस्जिद को नौज़बिल्ल है चार पांच लोग जमा हो जाते हैं चल रहे थे कब करेंगे हाँ करेंगे चलो बहुत थक गए थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे बीवी बच्चों से भी दूर हो गए मस्जिद में आ गए बैठे दुनिया भर की बातें बैठ के वहीं से फ़ोन पे तजारतें भी हो रही उसकी हाँ माल इधर का उधर पहुँचाइए इधर कर फिर गपशप भी हो रही उसमें मोबाइल भी चेक कर रहे वीडियो भी देख रहे न्यूज़ भी आ रही उसके अंदर म्यूज़िक भी बज रही न्यूज़ की सब हो रहा क्या है मतलब होटल है कि मस्जिद है कि होटल है ही है क्या है मस्जिद لیلت का एहतराम करना चाहिए मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो मस्जिद के मकसद के खिलाफ हो मस्जिद के मकसद के ख़िलाफ़ कोई चीज़ मस्जिद में नहीं होना चाहिए तो रमदान के आखिरी अशरे में इतकाफ़ करें लैलतुल कद्र अगर महसूस हो कि आज है तो आदमी दुआ करें क्या दुआ करें आयशा रद्ल फरमाती हैं कुल तो या रसूल अल्ला ही और आई था इन आलिम तो अईयतिन लतद्र माँ कलूफ यहाँ का रसूल अगर मुझे मालूम हो जाए कि फ़ुला रात लतर है मैं क्या दुआ करूँ उसमें क्या कहूँ काला कौली इन न काफ़ुआउन तो हिब्बलफवा फाफआनी कहा कि यूँ कहो कि ए अल्लाह तो इन न काफ़ुआउन तो बड़ा माफ़ करने वाला है तो हिब्बाह माफ़ करने को पसंद करता है फाफआानी तो अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे मुझे भी माफ़ कर दे इससे मालूम होता है कि मोमिन की असल फ़िक्र ये होती है कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने में जो कोताही हुई अल्लाह उसको माफ़ कर दे तो भी बस कि इबादत करते हुए एक इंसान इस एहसास के साथ जिए कि जो कोताही मुझसे हुई है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे इस हदीस को इमामत तिरमिदी इब्न माजा और हाकिम ने रिवायत किया है ईद से पहले कुछ अमाल हैं उनका अहतमाम है, करना चाहिए आखिर में कुछ बातें कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ एक है फितर वो ईद की नमाज़ में याद नहीं आना चाहिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है ईद की अल्लाह अकबर वकवाज़ायद तकबीरा में सदका फितर नहीं दिया फ़ितरा नहीं दिया फिर बाद में देता है कुछ ऐन वक्त पे ईद की नमाज के लिए जा रहा याद आता तो किसी तरह से पैसे दे के जान छुड़ा लेता किसी को भी देता लायक है नहीं है ये नहीं होना चाहिए दो तीन दिन पहले भी आप दे सकते हैं कोई मसला नहीं है तो शदकत फितर के देने का अहतमाम इंसान करे ईद की नमाज़ या ईद की तैयारी में वो रहना जाए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ज़क़़़ल्फ़ितरी तोहरतलसा मिनल वफ़ फ़रा या ज़क़़़़़तलफ़ितर रोज़ेदार के लिए पाकिजगी का ज़रिया है फ़ूलियात से लघु कामों से बेहुदा कामों से और बेहयाई के कामों से व तोहतुलमसाकिन और मसाकिन के लिए ये खाना है ज़ा है मन अद्दा हा कबल सलाती फ़ी ज़क़़ा तुम मकबूल आ जो आदमी ईद की नमाज़ से पहले फ़रा अदा कर दे, तो उसकी तरफ़ से ये मकबूल ज़कवात है व मन अद्दा है बाद सलातीती फ़ी सदक़ा तुमन सदक़त और जो आदमी ईद की नमाज़ के बाद फ़रात दें तो बस ये आम सदक़ा है फररा देना उसका उससे यानी फितरे का सवाब उसको मिलेगा नहीं वह आम सदकों के बराबर हो जाएगा इस हदीस को इमाम दार कुतनी ने और बहकी ने रिवायत किया है तो ये कुछ काम थे वक्त हो गया हम लोगों का ये कुछ काम है जो रमजान में हमको जिनका अहतम करना चाहिए आखिरी चीज़ जो ये है कि किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए कुछ काम ऐसे भी हैं कि जो करे तो आदमी रमज़ान उसका ख़राब होता है वो कौन से काम हैं नंबर उसमें एक चीज़ क्या है झूठ और बातिल से बचना ऐसे 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 कामों से बचना जो शरीयत के अतबार से बातिल हैं ग़लत हैं हराम हैं ममनू हैं अल्लाह के नबी सल्ला फ़रमाते हैं मल्ल यदा कल ज़ूरी वल अबी वल जहला फलई सलील हाजत व शराबा बुखारी ने इस रिवायत को इस हदीस को नक़ल किया है अल्लाह के रसूल सल्ला फ़रमाते हैं मल्ल यदा कौल जूर जो आदमी झूठी बात को न छोड़े न छोड़े और वलामल भी और झूठ पर अमल न छोड़े बातिल पर अमल न छोड़े वलजहला और जहालत वाली हरकतें न छोड़े झूठ न छोड़े और बातिल अमल न छोड़े और जहालत वाली हरकतें न छोड़े फलई सली हाजत तयम हो व शराब हो तो अल्लाह को इसकी कोई हाजत नहीं है कि वो अल्लाह के लिए अपना खाना पीना छोड़े तो इसका खाना पीना छोड़ना असल मकसूद थोड़ी है बुराइयाँ छोड़ना असल मकसूद है ये रोज़ा रख के बुराइयाँ कर रहा है तो क्या फ़ायदा फिर असल तो मकसूद ये था कि वो बुराइयों से बचे खाना पीना छुड़ाना तो उसको बुराइयाँ छोड़ने की प्रैक्टिस के लिए था लेकिन ये खाना पीना तो छोड़ रहा है लेकिन गुनाह नहीं छोड़ रहा अल्लाह को ऐसे खाने पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह को कोई हाजत नहीं तेरे भूखे रहने की लिहाजा इस हदीस से बात मालूम होती है कि रोज़े में इंसान को जहालत वाली हरकतें नहीं करना चाहिए रोज़े में आदमी को गलत बातें नहीं करना चाहिए रोज़े में आदमी को गलत हरकतों से गलत आमाल से बुराइयों से बचना चाहिए ख़ास करके रोज़े में झगड़ों से बचना चाहिए क्योंकि पेट में जब भट्टी में आग होती है तो यहाँ पे उसका हाँ हरारत महसूस होती है तो बहुत सारे लोग रोज़ा रख के मस्जिद में आके झगड़े शुरू कर देते हैं बात छोटी छोटी बात से वजू खाने से लाइट से पंखे से कुछ और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं रम़ान के महीने को सब्र वाला महीना कहा गया है झगड़ों वाला नहीं बनाया इसको सब्र करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं इदा यौमन इमन तुम में से जब कोई आदमी रोज़ादार हो इस हाल में सुबह करें फला वला हल वो बेहयाई का कोई काम न करे, जहालत की कोई हरकत न करे फ इन मर उम शम हो हो अगर कोई दूसरा आदमी उसको गाली दें उससे झगड़ा करें तो फलीकुल इन्नी साम इन्नी साम तो वो क्या करें वो जवाब में कहे मैं रोज़ेदार हूँ मैं रोज़ेदार हूँ इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है यानी कोई दूसरा खुद तो लड़े ही नहीं दूसरा आके इससे लड़ता है तो क्या करें भाई मैं तो रोज़ेदार हूँ भाई तो अपने आप को तो कम से कम याद दिलाए और उसको भी ताकि वो रुक जाए कि भाई जाने तो रोजेदार एक काय को लड़ने का तो गुस्से में अगर भूल भी गए तो उसको याद आए और अगर उसको याद नहीं आया तो कम से कम किसके लिए रिमाइंडर हो अपने लिए अपना रोज़ा लड़के झगड़े करके खराब ना करें आज बात देखिए घर में छोटी सी चीज़ पे झगड़ा हो जाता है बीवी को फला चीज इफ्तार में पकाने के लिए कहा था भूल गई दूसरा कुछ पका दी अब इतना गुस्सा हो जाता है कि जैसे उसकी दुनिया लुट गई ऑल फॉल जो चाहे बकेगा बच्चों की भी पिटाई करेगा और तोड़फोड़ भी कर देगा खाना उठा के फेंक भी देगा ये पकाती है इस तरह की बातें। तो तू तो सब्र सीखना चाहिए था सब्र ही नहीं सीखा फ़ायदा क्या तेरे रोज़े से बेसबरा बन गया गुस्सा इतना कि इतना सब ताल्लुक ख़राब कर लिए नहीं आदमी सब्र करे इसी तरह से यानी बेहयाई से बचे रोज़े में और बेहयाई का सबसे आसान जरिया क्या है जिसको आदमी ख़रीद के लाता है और ख़ुद उसका गुलाम बन जाता है कौन सी चीज़ें हो कोई गुलाम ऐसा आपने देखा है जिसको इंसान ख़रीद के लाए और फिर ख़ुद उसका गुलाम बन जाए मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन कि जब भी जब भी है उसके हाथ में है रोजे में टाइम पास के लिए और अच्छा जरिया क्या है बैठा हुआ उसके ऊपर वीडियो खेल गेम खेल रहा वीडियो गेम खेलते बैठे कुछ लोग मस्जिद में खेल रहे हैं कुछ लोग हैं बिस्तर पर लेटे एक के बाद एक स्वाइप 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 करते जा रहे इसके अंदर और सारी दुनिया भर की सारी खबरें यूट्यूब से लेके TikTok बना के भेज रहे हैं। उसके ऊपर आज मेरा रोज़ाद ऐसा रहा मर्द तो मर्द औरतें भी शर्म आनी चाहिए मुसलमान औरत परदे वाली होती है वो बेपर्दा लोगों के सामने नहीं आती वो बहुत इज़्ज़तदार औरत होती है मुसलमान औरतें दूसरी औरतों की तरह ना बने अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करें मॉडर्न बने अपनी टेक्नोलॉजी में लेकिन मॉडर्न कल्चर में नहीं बने दूसरे जो हैं जानवरों की तरह जीने वालों के पीछे हमको नहीं चलना है हमको सहाबियात को देख के चलना है हमको नेक अल्लाह वालों को देख के चलना है मुसलमान ख़वातीन इससे बचें आज मैं ये खाना पका रही हूँ देखो बोल के पूरा टिक में पूरा बता रही इफ़ार की तैयारी कैसे करना और फिर शुरू में अलहदुल्ला आखिर में माशा इससे क्या होने वाला तुम्हारा गुना कम होने वाला नहीं करे इस तरह की बेपरदगी नहीं और मुसलमान मर्द भी हेडफोन लगा के देख रहा मालूम नहीं पड़ना किसी को इतना शरीफ आदमी क्या क्या रास्ते निकालते आदमी देखो तो ये भी नहीं होना चाहिए एक आदमी इसी मजाक से हमको बोला कि दादाजान अपने पोते से बोले बेटा रात में जब भी मैं तुझको देखता हूँ तेरी ब्लैंकेट से मुझको नूर निकलता दिखाई देता है ऐसा क्या अमल तेरा है ऐसा क्या अमल तो करता कि तेरी जो है ओढ़ के सोता अंदर से नूर निकलता वो तो बेचारे उनको क्या मालूम है वो तो नंबर वाला दबा के बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते इसका नूर मोबाइल का नूर है वो ओढ़ के अंदर फिल्में देखता है ये नूर आ रहा है वो बाहर नहीं करे ऐसा तो अपने वक्त को ज़ाय ना करें रोजे में क्या है हदीस में अल्लाह ताला क्या फरमाता है यदाऊ मेरा बंदा क्या है मेरी खातिर अपनी शहवत को छोड़ता है बेहयाई का काम हम लोग रोज़े की हालत में न करें रोज़ा क़ियामत के दिन सिफारिश करेगा असियाम यशफाब्दयाम रोज़ा और क़ुरान क़ियामत के दिन बंदे के लिए सिफ़ारिश करेंगे यक़ुल्स्याम तो रब रोज़ा कहेगा ए मेरे रब इनात व शहवा बिन नहार शफी कहेगा एल्ला मैंने इसको दिन के हा दिन के वक्त में खाने से और शहवतों से रोके रखा नफ्स की शहवतों से रोके रखा अल्ला मेरी सिफ़ारिश इसके हक़ में कबूल कर वक़ुल क़ुरआन हो और अब भी मैंने तो नबिल्फ़ शफ़ी क़ुरान कहेगा ए रब मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा ये करता था कुरान पढ़ता था फफफनीीफ़ी तो मेरी सिफ़ारिश इसके हक़ में कबूल कर अल्लाह के नबी सल्ला फ़रमाते हैं फ़य शफ दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी तो हम अपने औकात को शहवात में इस्तेमाल न करें फ्री टाइम को हम नफ्स की लजतों में इस्तेमाल न करें बेहया की चीज़ें देखें नहीं हम लोग खास करके जो बाज़ार में बैठने वाले लोग हैं ताजिर हजरात हैं वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें अपनी निगाहों की हिफाज़त करें, करें। मोबाइल फ़ोन वाले अपनी निगाहों की हिफाजत करें तो इसका अहतमाम हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए रमजान ख़राब नहीं हुआ हमारा इस हदीस को इमाम अहमद तबरानी हाकिम और बहकी ने शोबल ईमान में रिवायत किया है इसी तरह से इस महीने में मगफरत कराने के लिए खूब कोशिश करें अल्लाह के नबी सल्ला सल वसम की यानी बदुआ है उस आदमी के लिए जो पूरा महीना गुजर जाए और अपनी मगफरत न कराए अल्लाह के नबी सल्ह् वसम फ़रमाते हैं व ऱ जुलिन उस शख़्स की नाक ना ख़ाक आलूद हो वो नाकाम व नाम हो जाए आदमी कौन द खला रमदान उस पर रमदान का महीना आया तुम मनसल ख़ा और चला भी गया उस पर रमदान का महीना आया और चला भी गया कबलाफर अला हो इससे पहले कि उसकी मफ़रत हो मगफरत नहीं हो पाई पूरा महीना मिला उसको पूरे महीने पा कर भी उसने अपनी मफफरत न कराई ऐसा इंसान नाकाम हो जाए ऐसा इंसान तो अल्लाह के रसूल सल अल्लास्म की बदवा है चाहे उसको आप ख़बर माने या बदवा माने दोनों अतबार से ये चीज़ बुरी है कि एक इंसान रमदान का महीना पा के अपनी मफरत ना कराए इस हदीस को इमामी और हाकिम ने रिवायत किया है तो ये चीज़ें हैं जो रमदान के तल्क से हमको याद रखनी चाहिए अल्लाह रब्लम हम सब के लिए इस महीने को ख़ैर बरकत का ज़रिया बनाएँ और सलामती का महीना बनाएँ जो भी मसायल पिछले सालों में थे अल्लाह रब्लम उनसे हम सब की हिफाज़त करें बीमारियों से फ़क्र फाई से और इसी तरह से मुश्किल से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाएँ हमारी मस्जिदों को आबाद करे और हम सब को सेहत और आफ़ियत से अल्लाह ताला तखे और इस रमदान को हमारे लिए मगफ़रत का ईमान की तरक्की का तकवा के इजाफे का ज़रिया बनाएँ और आइंदा ज़िंदगी बेहतर तौर पर जीने वाला हमको बनाए अक़ुल वसतफ़ी वालकम्म